इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल क्लासरूम के अंदर ज्वाइन करते टाइम आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है क्लास नॉट फाउंड, और यहाँ पर नीचे आता है नो क्लास विद दैट क्लास कोड। तो इस तरीके से पूरा इश्यू आता है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मेन इशू यहाँ पर तीन कंडीशन इसकी मेनली हो सकती हैं, एक एक करके मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूँगा, और आप तीनों में से एक भी जो है अपने से नहीं कर सकते, जो इसका ओनर होगा क्लास का वही उसको, जिसने वो एडमिन होगा जो भी होगा वही उसको जो है ठीक कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, देखिए सबसे पहले मेन इशू, जब आपको लिंक भेजा जाएगा ज्वाइन करने का, ठीक है, तो उस लिंक से आप एंटर करते हैं, कोड आप डालते हैं, और वहाँ पर लिंक अगर शेयर करते हैं तो कोड की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन कोड वो बंदा रीसेट कर देता है, तो एक नया कोड बन गया लेकिन आपके पास ओल्ड हो गया, तो उस सिचुएशन में वो वर्क नहीं करेगा, वो क्लास नॉट फाउंड दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हो गया कि उसने बंदे ने है URL ही या लिंक ही या कोड ही जो है डिसेबल्ड कर दिया है, ना ही उसमें कोई इस लिंक से ज्वाइन होगा ना कुछ होगा, तो तब भी यहाँ पर आपको वो दिखा सकता है। और तीसरी कंडीशन कि आप गलत डालते हैं खुद से ही, तो तब भी यहाँ पर ये दिखा सकता है। तो खुद से गलत डाल रहे हैं तो वो तो हो गई एक अलग बात, लेकिन जो दो है वो आप अपने जो है जिससे भी क्लास जो चला रहा है उससे बोल सकते हैं कि हमको लिंक सेंड करे सही, और वो हम वहाँ से उसको डायरेक्टली फिर ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये मेन इशू रहता है यहाँ पर तीन, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।